नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, हमारी शादी हो चुकी है और हमारी मुंबई रिसेप्शन आने वाली है। मुंबई रिसेप्शन में हमारे फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए मैंने बहुत प्यारे गिफ्ट हैम्पर्स बनवाए हैं एंड आई रियली वांट यू टू हैव अ स्नीक पीक एट दैट। सो एवरीथिंग इज सेट फॉर इनवाइटिंग माय गेस्ट्स एंड माय फ्रेंड्स इन मुंबई। देखिए, ये बहुत प्यारा सा लव प्रोजेक्ट ने एक गिफ्ट हैम्पर बनाया है। This is Payal ke Sangram boxes which have been made by Mascot. These are the other boxes which have been made by Gift Love Project. And iske andar bahut pyare pyare goodies hain. So, these goodies have been made. Wow! Candle stand. Ganpati ji! एक मग है पायल के संग्राम का एंड ईविल आई लॉकेट, ईविल आई लॉकेट, ईविल आई लॉकेट। जी हाँ, ये सब बॉक्सेस बनाए हैं हमने हमारे फ्रेंड्स के लिए जिनको हम इनवाइट करना चाहते हैं फॉर द वेडिंग रिसेप्शन। आप सबको पता है कि मैं काफी समय से बाहर थी। पहले हम आगरा थे, फिर हम अहमदाबाद में थे, दिल्ली में थे, शादी के बाद वी ट्रैवलिंग, नाउ वी आर इन बॉम्बे एंड बॉम्बे में हमारी वेडिंग रिसेप्शन हो रही है जिसका आपको मैं एक स्नीक पीक शेयर करूंगी इस वीडियो के अंदर। और उस वेडिंग रिसेप्शन में मैं चाहती हूं कि मेरे सारे फ्रेंड्स जिनके साथ मैंने काम किया है, इंटरैक्ट किया है इन द इंडस्ट्री, वो सब आए। संग्राम जी भी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे, मैं भी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करूंगी। जी हाँ, बहुत लोगों के साथ मैं टच में नहीं थी, सो आई होप आई अगेन कनेक्ट बैक टू देम थ्रू दिस ओकेजन इन माई लाइफ, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल ओकेजन इन माई लाइफ। पायल रोहतगी हैज फाइनली गॉट मैरिड एंड इसलिए मैं मुंबई के अंदर मेरे गेस्ट को इन्वाइट करने जाऊंगी पर्सनली, जो गेस्ट मुझे अपने शेड्यूल में से टाइम दे सकते हैं एंड जो गेस्ट मुझे अपने शेड्यूल में से टाइम नहीं देंगे उनको ऑब्वियसली मैं गिफ्ट बॉक्सेस भिजवा दूंगी, व्हाट्सएप के थ्रू भी इनविटेशंस भेज दूंगी, बिकॉज बॉम्बे इज अ वेरी वेरी हेक्टिक लाइफस्टाइल एंड सब यहां पर काम कर रहे होते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट सबका शेड्यूल, बट एफर्ट्स आर गोइंग टू बी मेड टू मेक श्योर दैट आई इन्वाइट एवरीबडी विद हुम आई वर्कड विद, इंटरेक्टेड विद इन माई लाइफ टाइम टिल नाउ इन मुंबई, एंड सो इज संग्राम जी गोइंग टू डू दैट। संग्राम जी अभी बाहर है, जैसे ही वो आएंगे वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे एंड होप टू सी ऑल ऑफ यू एट माय वेडिंग रिसेप्शन। जा रहे हैं करणवीर के घर। जी हाँ, करणवीर हैज गॉन आउट फॉर अ शूट, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू बी मीटिंग ओनली हिज वाइफ टीजे एंड द किड्स, सो आई एम जस्ट गोइंग टू इनवाइट देम पर्सनली बिकॉज टीजे एंड मी हैड अ इनविजिबल बॉन्ड ड्यूरिंग माय लॉकअप का जोन एंड करणवीर एंड मी हैड एन इनविजिबल फ्रेंडशिप ड्यूरिंग माय लॉकअप का जोन, तो दोनों चीज को मद्देनजर रखते हुए उनको पर्सनली इन्वाइट करना बनता है। तो वहां पर जाकर अगर मौका मिला तो आई विल शूट समथिंग, अदरवाइज दिस इज फॉर माय फ्रेंडशिप विद केवी इन लॉकअप। सो आई जस्ट मेट टीजे एंड द किड्स एंड इट वाज फन टू मीट देम। केवी हैज गॉन आउट फॉर अ शूट, होपफुली केवी विल कम फॉर द रिसेप्शन। केवी का कोई प्लान भी था रिसेप्शन के टाइम पे, बट आई थिंक ही इज गोइंग टू डिले दैट। केवी इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है, बाय बाय। तो अभी मैं आई हूं संभावना जी के घर पर। जी हाँ, जिन्होंने मुझे YouTube इस्तेमाल करना सिखाया। संभावना ने मुझे YouTube इस्तेमाल करना सिखाया। ये दूसरी बात है कि हम कम मिलते हैं, बट संभावना हम लोग पड़ोसी हैं और हम लोग बिल्कुल नहीं मिलते हैं, लाइक
अगर मैं छलांग मारूंगी अपने घर से तो पायल के घर में पहुंचूंगी, इतना क्लोज है और ये ऐसे मिल रहे हैं हम लोग। शर्म आनी चाहिए, बट शर्म की बात अभी समय इसलिए नहीं है क्योंकि लड़ाई तो थी कुछ, कभी थी ही नहीं ऐसी, बट इट्स जस्ट दैट वी कुड नॉट मीट ईच अदर, बट ये जस्ट ऐसे बाय चांस हो गया। नो, शी इज अ लवली सोल, आई लाइक हर सोल। अविनाश जी अंदर है, उनसे हम बाद में बात करेंगे। चलेगी तो बस हेलो हेलो करके आया, बट मैं पायल का डब्बा तरह माई मदर एंड माई ब्रदर आर बिग फैंस ऑफ हर एंड मैं भी हूँ। मैं बता दूँ मेरे यूट्यूब वीडियो ना ये देख देख के हंसती है सिर्फ, इसका एक्चुअली ब्रदर है जो फॉलो करता है, मम्मी फॉलो करती है, मम्मी इसकी मेरे को बहुत प्यार करती है। हाँ। ये जो है सिर्फ मैं मजाक बनाती है, बिकॉज मेरे में ये सब में अलग अलग टैलेंट है। ये संभावना का जो यूट्यूब का टैलेंट है ना, वो सिर्फ संभावना ही कर सकती है। awesome in it. And मैंने अभी थोड़ा बहुत सीख कर ये लास्ट कुछ महीनों से अपनी कॉन्ट्रोवर्सी दबाने के लिए आई एम सो हैप्पी दैट यू स्टार्टेड। आई डिडंट नो दैट पायल वाज ऑन यूट्यूब एंड नाउ दैट शी इज ऑन यूट्यूब, प्लीज गो सब्सक्राइब हर चैनल एंड गिव हर लव। एंड अच्छी लड़की है, बकवासें कर देती है, गलती से इससे ना कुछ हो जाती है चीजें, तो विच शी डजंट मीन, लेकिन ये जब आप बोल देते हो ना तो आपको पता चलता है ये बोल दिया मैंने, वो बाद में मालूम पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड आई एम रियली सॉरी पायल मैंने लॉकअप नहीं देखा है, अदरवाइज मैं सपोर्ट डेफिनेटली करती, लेकिन आई एम सो हैप्पी शी वॉज देयर टिल द लास्ट एंड बहुत लोगों ने सुना दैट शी शुड हैव बीन द विनर। एंड ये मैं अभी भी पायल को बता रही थी कि मैंने बहुतों से सुना ऐसा, बट आई वॉज नॉट वॉचिंग द शो बिकॉज आप लोग जितने भी लोग मेरे ब्लॉग्स फॉलो करते हो यू ऑलरेडी न्यू दैट आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज, तो मैंने बहुत सारी चीजें फॉलो नहीं की है, बट नाउ दैट आई मेट हर आई एम सो सो हैप्पी फॉर हर। शादी हो रही है इसलिए भी रिसेप्शन पे हम लोग मिलेंगे दोबारा। शादी कब कर रही है पायल, शादी कब कर रही है? लगता था तू कर चुकी है। नहीं कर चुकी है, बता नहीं रही है, ठप्पा लगा है संभावना, शादी हो गई, ठप्पा लग गया। नहीं पता था मेरे को, लगा ये कर चुकी है लेकिन बता नहीं रही है, मतलब शादी में तो हो गई होगी, वो सत्य नहीं बताना चाह रही है, इसकी अपनी मर्जी, पर मुझे क्या पता शादी करेगी और इतनी धूमधाम से हर जगह पर आ रही है, इतना तो मैंने नहीं किया। ये मेरे को ऐसा लगता है कि शादी में ना जो इतना खर्चा हो जाता है कि लोग तो आपको गालियां देके जाने वाले, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, ये खाना भी अच्छा नहीं था, मेरे को लगता है कि शादी से ज्यादा बाकी चीजों में इन्वेस्टमेंट कर दो, लेकिन अब आपकी मर्जी है, इतनी ज्यादा आपको शादी में पैसे उड़ाने उड़ाओ, मुझे क्या है, मैं तो आऊंगी खाना खाने के लिए। मैं आप और अविनाश जी, यस डेफिनेटली एंड ऑल द बेस्ट पायल, कांग्रेचुलेशंस अगेन, थैंक यू। अभी हम वीडियो काट रहे हैं, अभी हमारा प्राइवेट जोन आ रहा है।